बहादुराबाद में प्रबंधक एवं अध्यक्ष समेत 12 पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रोहाल की किशनपुर में निर्विरोध चुने गए प्रबंधक एवं अध्यक्ष समेत 12 पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान विद्यालय से सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रबंधक जयंत चौहान ने बताया कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु को हमेशा पूजनीय कहा गया है। ये कार्यक्रम क्या असलियत में क्या है कि नव निर्वाचित प्रबंध समिति इस समय बनी है और जो हमारे गुरु जी हैं वो बहुत दिनों से जो है ये सोचते थे कि भाई 35 साल 36 साल हम यहाँ नौकरी करी है लेकिन आने का कोई मौका नहीं लगता। तो हमने ये क्या है कि इसी मौके पर उनका सम्मान भी हो जाए जिन्होंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, इस क्षेत्र को पढ़ाया, जिसकी वजह से जो है बच्चे आगे भी बढ़े हैं, तो उनका सम्मान बारी बारी से होता रहे। और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम जो हमारे शिक्षक हैं उनका चलता रहेगा और उनको सम्मान देते रहेंगे और जब भी उनसे आवश्यकता होगी पढ़ाने के लिए तब भी वो तैयार रहेंगे कि भाई आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि पेंशन भी चली रही है तो वो इस काम को करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे। कितने शिक्षक? हमारे 22 शिक्षक थे, उसमें कर्मचारी भी हैं मिलके, तो उन सभी को बुलाया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने कमज़ोर हैं वो नहीं आ पाए और 15 तो कम से कम आ ही चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही खुश हैं इस समय कि भाई हमें किसी ने याद किया, इसको जीवन दिया और आज वो बड़े प्रफुल्लित हैं इस कॉलेज को देखते हुए। इस साल 1270 बच्चे थे, अब 526 बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दिए हैं, उसमें से 295 हमारे इंटरमीडिएट के थे, उसमें देखते हैं कितना हमारा रिजल्ट रहता है, तो 1000 से ऊपर हमारी संख्या रहती ही रहती है। अब हमें ये है उम्मीद कि हमारे 1200 के आसपास तो होंगे होंगे। ठीक है, गठन 10/4/2023 इस चुनाव के क्रम में वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन 15/4/2023 के क्रम में मैंने 17/4/2023 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उसके उपरांत पूरी प्रबंध समिति के शपथ का प्रोग्राम करना होता है, क्योंकि विधि विधान के अंतर्गत आज से प्रबंध समिति प्रबंधक कार्यकाल तो 17 तारीख से हो गया पर प्रबंध समिति का पूर्ण गठन आज 24/4/2023 से हो गया है। और प्रबंध समिति का उद्देश्य क्षेत्र में गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का कार्य रहेगा, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और सही वातावरण के लिए पूरी प्रबंध समिति उत्तरदायी होगी। इस समिति में सदस्य हैं 5 पदाधिकारी और 7 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उपप्रबंधक, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी 7 सदस्य। आज हम जो हमारे विद्यालय में विद्यालय गठन से लेकर आज तक जो सर्वपाश हो गए हैं उन्हें छोड़कर जो भी अध्यापक कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन्हीं का सभी का आज सम्मान समारोह है, क्योंकि हम जो भी यहाँ बैठे हैं सब गुरुओं की देनी है। गुरुओं के कारण ही हम शिक्षित हुए, शिक्षित होने कारण ही हम प्रबंधक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्य या पदाधिकारी बने।